अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सर्दियों की पहली आग लग चुकी है, ये देखें आप। नवेद भाई मेरे साथ हैं, आलू ले आए थे और शकरकंदी ले आए थे, हमने लगा दिए आलू और शकरकंदी। अभी वो बनेगी और हम खाएंगे। अभी हमारे और दोस्त भी आ रहे हैं, उनको बोला कि भाई मूँगफली लेते रहो, ठंड इतनी नहीं है लेकिन इंजॉयमेंट चाहिए कराची के शपाट और लोडो को। तो नवेद भाई क्या कहेंगे ठंड के बारे में, ये देखें नवेद भाई को इतनी ठंड लग रही है, स्वेटर ये जो तौलिया है ये पहन चुके हैं। जोर से बोले नवेद भाई, माइक नहीं लगावा। मुझे तो बहुत ज़्यादा ठंड लगती है और इस वजह से मैंने नवेद भाई और मानी को बोला आपका इंतजाम करोगे तो। अच्छा, हमने मानी को बोला था भाई कि जब जॉब से आओगे तो दो पेटियां ले आना। मानी 15 रुपए की 2 पेटियां लाया है, वो कह रहा था ये मुझे 15 रुपए चाहिए। अब मैं दिखाऊँगा मानी को, ये भी बना रहा हमारी वीडियो। लाओ भाई, ये भाई ये हमारा दोस्त है मानी। मानी कितने बोले थे उसने एक पेटी के? 35 रुपए बोले थे, 15 की 2 लाया हूँ। अच्छा भाई, 35 रुपए बोले थे, 15 की 2 लाया है। और ये आग देख रहे हैं माशाल्लाह से कैसी रंगीन लग रही है। ये सिर्फ 5 मिनट की आग है, बस सिर्फ 5 मिनट की आग है। नहीं नहीं, 5 मिनट की आग नहीं है भाई, ये एक तख्ता और रखा हुआ है, 10 मिनट तक इंशाल्लाह यही जल जाएगी। सैटरडे नाइट को भाई झींगे कढ़ाई का प्रोग्राम है और झींगा भी आ चुका है हमारा, वो हमने फ्रीजर कर दिया है। और आलू भाई देखो, आलू मानी इसमें जरा देखो, आलू बन रहे। कितने लगाए थे आलू? 3 लगाए थे। 3 लगाए। अबे तो छोटे तूने आलू लगाए, कम से कम 4-5 तो लगा देता। ओहो, वीआईपी होगा आलू हो गए। शकरकंदी को भी चेक कर लिया, हाथ क्या शकरकंदी नीचे दबाई भी है थोड़ा, कोई नहीं हटाने पड़ेगा। नहीं नहीं हटाओ नहीं भाई, खुशबू आ जाएगी भाई, जब खुशबू आएगी ना इंशाल्लाह तो हम खुद ही ये जो है हम पता चल जाएगा हमें, तो फिर उसके बाद खाएंगे इंशाल्लाह, आपको बताएंगे कि कैसे बने थे। नवेद भाई चाट मसाले का इंतजाम कर लो यार, मानी तू चाह रहा है, खाना नहीं खाया था क्या? भूख लग रही है बहुत, दिल कर रहा है जल्दी से। अबे तो भूख लग रही है तो 3 तो तुमने भाई देख रो क्या कह रहा है, भूख लग रही है और 3 आलू रखे हैं इसने। सही है, मुझे तो नहीं लग रहा है इतनी सी आग है। मट्टी में दफन करके दफनाया भैया, मुर्दा उर्दा है मट्टी में दफन कर दिए। कैसी बातें कर रहे हो नवेद भाई, बड़े बड़े आलू भाई। अच्छा देखें, गली में जो है पूरा सन्नाटा हो रहा है, ये देखें हमारा जो एरिया है ना भाई, ये थोड़ा सा सन्नाटेदार एरिया है, लोग जॉब से आते हैं और सो जाते हैं। ये हम 3 बंदे हैं जो हम गली में रौनक लगा के बैठते हैं, लोग हमारे को कहते हैं इलाके का चौकीदार। अरे भाई सही बोल रहा हूँ ना, यही कहते हैं ना। ऐसा ही है, सही है। मानी तेरे को अब्दुल शकूर चचा रात का क्या बोल लेते तुझे? रात की रानी। रात की रानी? हाँ। अबे चौकीदार वाली बात बता, क्या कह रहे थे वो? तो चौकीदार का बोल लेते, बोले आप लोगों के बैठने से हमारे को ये फायदा होता है, हमारी गाड़ियाँ सेफ हो जाती है गली में। अच्छा ये जो गाड़ियाँ खड़ी हुई है ना, यहाँ से अभी जो है मैं दिखाऊँ, ये पेट्रोल निकाल लेते लड़के, लेकिन अब हम लोग जब से बैठ रहे हैं ना है कि चोरों का नुकसान हो गया है। चोर आने से भी काटते हैं, चोरों के लग गए मौत। अच्छा नवेद भाई ने एक बात बोली, हम लोग रात में बैठते हैं, अगर कभी ऐसा हो कि चोर आ जाए और मैं गर्दन से पकड़ लूं तो तुमने डायरेक्ट उनका हाथ मोड़ के पिस्टल लेनी है। नवेद भाई तो अजय है लेकिन अगर कभी ऐसा हुआ ना भाई तो सीधा मैं निकलूंगा घर में, ये मैं गेट खोल के रखता हूँ सही है ना, मैं निकलूंगा घर में और नवेद भाई गर्दन पकड़ के रखेंगे। या यहूरियत या ता शहादत। क्यों मुल्ला आधा किलो लिए मैंने? मेरे आपको पता है ना वजन कितना है। अच्छा चले भाई, स्टॉप करते हैं, तैयार हो जाते हैं तो फिर आपको दिखाते हैं शकरकंदी और आलू। क्या दिखा रहे हो, आलू दिखा रहे हो क्या? आलू नहीं नजर आ रहा, आलू तो ऐसे पकेंगे आज। आज हम आपको सिखा रहे हैं एक तरकीब आलू उबालने की, तो सॉरी आलू भून रहे हैं, क्या हो रहा है? आलू बॉयल हो रहे हैं, बॉयल का हो रहा है पानी थोड़ी, आलू को भूनने का तरीका। अभी इसमें हमने खास मसाले हैं अम्मा दादी के ज़माने के, हमारी समझ में अभी वो मिलाएंगे इंशाल्लाह। अब आग बुझ चुकी है, अब ये देखें भाई जो मेरी वालदा ने बर्नी में छुपा के रखा है, छुपा के लेकर हम अब ये अभी आग कोयले दिखाओ, कोयले दिखाओ, इन कोयलों पे बनेंगे नस्ली और असली आलू। तो नाजरीन ये आलू तैयार हो गए,
ये देखें ये माशाल्लाह से फुल गल गए और मुंह में देखें भाई पानी आ रहा है लेकिन मसाला नहीं आया है। क्या करने के लिए दिया है क्या? अरे भाई सिलबट्टे में पिस रहे हैं, ना जाने कौन सी मखलूक पिस रही है वो, हम आलू को छीनते हैं इंशाल्लाह। ये देखें मानी ने उठा लिया, दिखा मानी कर जरा कैसे खाएगा हालात। नवेद भाई तुम भी उठाओ जरा, देखते हैं हम हाथों की गर्मी, हाथों की गर्मी दिखाओ जरा। ये मेरे भाई आलू, हाँ भाई उठाओ। ये नवेद अली ने खेलना स्टार्ट किया, अबे खराब नहीं करो भाई आलूओं को। अबे तो शकरकंदी बन गई, तो शकरकंदी भी तुम बोल लेते हैं वो कहाँ है दिखाओ जरा, मैं भी हाथ में लेके देखूँ। ओए होए 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 क्या खुशबू आ रही है, ओए होए मेरे अल्लाह की कुदरत, आग आग में पका आलू, मेरे अल्लाह की कुदरत आग और आग में पका आलू, और जो इसकी सोंधी सोंधी खुशबू आ रही है। ये देखिए मुंह दिखाओ, ये सला के भाई माशाल्लाह, ये सला के बेज। मैं ऐसे नहीं खा, सही सही मंगोलों की तरह मजा आ गया। देखें इन्होंने अर्तुरुल ड्रामा बहुत देखा है, और ये मंगोलों की तरह छील लें जैसे वो बकरे की रानी छीलते। ये देखे मानी को माशाल्लाह से चट्टू। यार आलू तो वाइट होता है, पीला क्यों हो रहा है यार? इसमें लकड़ी की जरासीम चल रही है। नवीद अली बड़े मजे के आलू, कैसा है नवीद अली? माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह ताला। मैं खा रहा हूँ, जरा बाइट ले रहा हूँ, बहुत मजा आने वाला है, जरा करीब आ जाए। नाज़रीन को दिखाएंगे धुआं उठता हुआ हल्का हल्का, और ये बिस्मिल्लाह। बहुत गर्म है, और बोला भी नहीं आ रहा। बहुत मजे का स्पाइसी। और जितने भी वीडियो देखने वाले हैं नाज़रीन, चाहे वो तेजीद हो, चाहे वो 25 या 18 साल से बड़े हो, तो आज तक मेरी नज़रों में सबों ने ये काम किया हुआ होगा बचपन में। अच्छा हमारा जो आज का वीडियो बनाने का मकसद था कि बचपन की यादों में गुम हो जाए, ठंड इतनी नहीं है, तो आज मज़ा आ रहा है भाई दोस्त बैठे में, और वाकई में बचपन याद आया है। तो ये ठेला दिखाओ भाई, ये देखिए ये अंधेरी रात में आ रहा है ठेला, रंगीन ठेला चलता हुआ आ रहा है, और ये हमारे दोस्त भी आ गए भाई, देखो दिखा दो कि हमारे दोस्त भी आ गए भाई। मूंगफली लाए क्या? नहीं लाए, नहीं लाए। यार देखो हमारे दो दोस्त आ गए मूंगफली लेके, कहा है मूंगफली कौन? ये देखे भाई मूंगफली आ गई है, दिखाना जरा उसाओ भाई, मूंगफली मंगाई थी हम लोगों ने, ये मूंगफली आ गई है। और हफ्ते का जो हमारा प्रोग्राम है माशाल्लाह से, हारिस इधर देखो जरा क्या लाए हो आप, बाम मछली आ गई है, जरा निकालो। अबे ये बाम मछली है, सांप छिलवा के लिया है उसामा को, ये देख तो ले, इतनी बड़ी बड़ी राडे हमने नहीं देखी हारिस। अबे कसम खुदा की सही बोला, डर लग रहा है। मैं जब तक आलू खाऊं, बाम बेची ये जैसे होती है भाई, कैसी बातें कर रहा है, बाम कैसी है? दिखा भाई झींगा दिखा। अबे ये झींगा हारिस वो उसामा छिला हुआ तो नहीं है ना, छिलवा दिया? ये देखे भाई झींगा जो है छिल गया है एक बार में उसामा, और इंशाल्लाह ये हफ्ते को बनाएंगे। इसी के साथ होता है मेरा आज का व्लॉग खत्म, उम्मीद करता हूँ आप लोग को लाजमी पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, बड़ी मेहनत करता हूँ मैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए खुदा हाफिज़, अल्लाह निगहबान।